खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गढ़ कहे जाने वाली हाजीपुर लोकसभा सीट पर इस बार एनडीए की तरफ से रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके कंधों पर अपने बड़े भाई की राजनीतिक साख बचाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि रामविलास पासवान इस हाजीपुर लोकसभा सीट से कुल 8 बार सांसद चुने जा चुके हैं। हमारे साथ पशुपति पारस जी मौजूद हैं। पशुपति जी, 8 बार आपके बड़े भाई यहाँ से सांसद रहे हैं, 10 बार कुल चुनाव लड़ा उन्होंने यहाँ से। इतनी लंबी जो राजनीतिक उनका सफर रहा वो उन्होंने खत्म कर दिया और आपको मौका दिया है यहाँ से चुनाव लड़ने का, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर, क्योंकि आज यहाँ पर वोटिंग हो रही है? जीत के लेकर तो मैं 100% हूँ। आप उस दिन भी मैंने कहा था कि बिहार में हाजीपुर इस बार पुनः विश्व का रिकॉर्ड कायम नहीं करे, लेकिन बिहार से सबसे अधिक वोट से हम जीतेंगे। और हमारे बड़े भैया 1977 से लेकर आज तक 8 बार सांसद रहे हाजीपुर से, और मैं भी जहाँ मेरा जन्म स्थान है, जहाँ मेरा घर है, मैं भी वहाँ से 7 बार विधायक रहा हूँ। एक टर्म में MLC हूँ, बिहार सरकार का मंत्री हूँ, तो राजनीतिक अनुभव है हमारे पास में। और उन्होंने, चूँकि उनका 50 वर्ष पूरा हो गया राजनीतिक जीवन, 69 में वो पहली बार विधानसभा के सदस्य हुए थे, तो 50 वर्ष पूरा हुआ तो उनकी इच्छा हुई कि 50 वर्ष पूरा होने के बाद हमें सक्रिय राजनीति में नहीं, चुनावी राजनीति में नहीं रहूँगा। और एनडीए के जो बड़े लीडर्स थे पूरे देश में, उन लोगों का भी एक हुआ आग्रह हुआ कि भाई आप राज्यसभा में जाएं और पूरे देश में एनडीए के लिए प्रचार। अगर पशुपति कुमार पारस अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्या रामविलास पासवान के किए हुए काम है, नरेंद्र मोदी का काम है, या फिर जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एनडीए इस वक्त चुनाव लड़ रही है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा है? देखिए, उसमें तीनों काम, तीनों महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भी वोट मिल रहा है, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पासवान जी, उन्होंने जो 42 वर्ष के अंदर जो हाजीपुर की जनता की सेवा की, मैं समझता हूं कि पूरे देश में 543 लोकसभा के सदस्य हैं, उसमें से ऐसा कोई सांसद नहीं होगा जितना कि पासवान जी ने अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए किया हो। तो यहाँ की एक एक जनता, यहाँ का एक एक फैमिली उनके नाम से, उनके काम से खुश है, परिचित है। तो यहाँ मोदी जी का लहर तो पूरे बिहार में है, लेकिन हाजीपुर में मोदी जी के बाद यदि कोई लहर है तो पासवान जी के नाम पर भी है, और NDA गठबंधन का एक लहर है। और मैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा कितना जरूरी है? बहुत जरूरी राष्ट्रवाद का मुद्दा, तो बहुत जितने के देश में दो ही चीज़ें हैं, एक राष्ट्रवाद है, देश सुरक्षित रहे, दूसरा विकास हो, ये दो ही मुद्दा है। तो विकास पुत्र में हमारे बड़े भाई साहब माने जाते हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो विकास पुत्र माने जाते हैं, और देश के माने पर जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी विकास पुत्र भी माने जाते हैं, और देश की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत ही कुर्बानी दी। आज़ादी के बाद पहला ऐसा क्रांतिकारी प्रधानमंत्री इस देश को मिला कि देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अंतिम जान की बाजी लगा दी। तो ये, और उस दिन भी मैंने कहा था, आज मैं कह रहा हूँ कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, शायद हो सकता है धोखे से एक आध सीट महागठबंधन को मिले, नहीं तो टोटल का टोटल सीट NDA गठबंधन को मिलेगा। और आज इस जीत के लिए मैं NDA के तमाम बड़े लीडर से लेकर के अपने बड़े भाई, छोटे भाई, अपने भतीजा चिराग पासवान जी और हाजीपुर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि रामविलास पासवान ने इतने सालों तक इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया लेकिन कोई काम नहीं किया, यहाँ के लोगों को ठगा है और इसलिए यहाँ की जनता इस बार उनको ठगेगी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इसका क्या जवाब दे रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं, आपकी नज़र में क्या, प्रेस मीडिया की नज़र में क्या है कि रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर में कुछ नहीं किया? जोनल ऑफिस, रेलवे का जोनल ऑफिस हाजीपुर में आया, पासवान चौक से जनधा NH चला गया, भारत सरकार के द्वारा जैसे हाजीपुर में पुल का निर्माण हुआ, ये किसने कराया? विरोधी कराया, लालू यादव करवाया, किसने कराया हमको ये बताया? विरोधी बोले, और जो विरोधी दल का जो उम्मीदवार है, महागठबंधन का उम्मीदवार है, उसको गाँव में लोग घुसने नहीं दिया, और सबसे अधिक वोट से वो हारेगा जहाँ से राजा पाकर से, जहाँ से अभी विधायक हैं, सबसे अधिक खराब स्थिति उनकी वहीं है और महुआ खराब स्थिति है। इसलिए विरोधी के काम है विरोध करना, विरोधी क्या है, विरोधी तो अब जेल में सर रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, अब जब तो वो दिन गिन रहा है। देखिए, जो व्यक्ति परिवार नहीं चला सकता है वो देश और राज्य नहीं चला सकता है, तो वो जमाना लद गया, लालटेन युग समाप्त हो गया। मैंने उस दिन भी कहा था कि लालटेन युग समाप्त हो गया, बिजली का युग आ गया, घर घर बिजली आ गई है, लोग पढ़ लिख गए हैं, लोग एडवांस हो गए, राष्ट्रीयता के नाम पर लोग वोट देता है, जात पात से ऊपर उठ के लोग वोट देता है। अब जात पात की राजनीति खास के बिहार से समाप्त हो रही है,
इसलिए वो विरोधी कुछ नहीं चलेगा। विरोधी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कल अखबारों में ये छपा कि आपने ये सब बयान दिया कि आपको यहाँ से जबरदस्ती चुनाव लड़ाया गया, आप लड़ना नहीं चाहते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? जब रामविलास पासवान जी ने ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरी जगह मेरे परिवार से कोई दूसरा चुनाव लड़ेगा, तो क्या आपका यहाँ से चुनाव लड़ने का मन था या बड़े भाई के कहने पर आप यहाँ पर चुनाव लड़ने आए? नहीं, ऐसी बात, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैंने ऐसा बयान मीडिया में नहीं दिया। मैं कह रहा था कि हमारे बड़े भाई चुनाव लड़ेंगे यहाँ, यदि नहीं लड़ेंगे तो हम, मुझको आदेश होगा एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा। और बड़े भाई का आदेश हुआ कि तुम 42 वर्ष का जो रिश्ता है, हाजीपुर का रिश्ता है, हाजीपुर को अपने बयान में बराबर वो कहते हैं कि हाजीपुर हमारी माँ है, हाजीपुर के चलते मेरा मान सम्मान बढ़ा है। तो उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस, देखो जब तक मैं सक्रिय राजनीतिक जीवन में हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाजीपुर की जनता का सेवा करूँ, उसके लिए सबसे बेस्ट उपयुक्त उम्मीदवार तुम हो गए, तुम चुनाव लड़ो। मैं चुनाव लड़ गया। ऐसी कोई बात नहीं कि आपका मन नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात, कोई भी आदमी चाहेगा कि हम बड़ा पद पर नहीं जाएं, किसी का प्रमोशन होगा तो कोई चाहेगा कि नहीं जाएं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया के दिमाग के ऊपर है। तो पशुपति कुमार पारस जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं हाजीपुर लोकसभा सीट से, जो कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गढ़ रहा करती थी, फिलहाल उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है और अपने इस सीट से अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को चुनावी मैदान में उतारा है, जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़।